हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मैं हूँ अभी बस में और मैं जा रही हूँ अपने मायके गोलू के साथ। हम लोग बाइक में जाने वाले थे पर बारिश हो रही थी तो बाइक में जाना ठीक नहीं था, भीग जाते हम लोग, और गोलू भी था साथ में तो उससे भिगाना ठीक नहीं था। तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम बस में ही जाएंगे। और ये देखिए हम लोग बस में जा रहे हैं और गोलू को बस में जाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बस में बहुत कम ही जाता है कहीं, और उसे बस में बैठना बड़ा मज़ा आता है। बस में या फिर ऑटो में या फिर ट्रेन में, उसे कुछ भी चीज़ में बैठना बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए गोलू इधर कितना आराम से बैठा है और इंजॉय कर रहा है अपनी जर्नी का। तो हम लोग पहुंच गए थे गोलू के नानी के घर, मतलब मेरी माँ के घर, और शाम हो गई थी इसलिए मैंने वीडियो को कंटिन्यू नहीं किया था। ये दूसरे दिन का वीडियो है और ये देखिए ये कुछ पार्सल आया हुआ है यहाँ पे, तो इसकी अनबॉक्सिंग मैं कर रही हूँ। तो गोलू जिद कर रहा था कि मैं करूँगा, तो फिर हम लोग दोनों मिल के इसको खोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कैंची में थोड़ा सा धार कम है इसीलिए ये थोड़ा चल नहीं रहा है ठीक से। तो ये देखिए ये इससे गोलू खोल रहा है, फिर ये मुझसे ले लिया, बोला मैं खोलूँगा। तो ये अभी खोल रहा है पर ये खोल नहीं पाएगा मुझे पता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से पैक किया हुआ है। तो इसे फिर से काटना पड़ेगा तो मैं इसे फिर से काट लूँगा। तो ये देखिए ये खुल गया है और ये है बाबू का झूला, और काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ये आरामदायक झूला है बाबू का, और लग गया है बाबू का झूला अभी। और ये देखिए बाबू के मम्मी आ गई है बाबू को झूला झुलाने के लिए, और बैठ गया है आराम से हमारा बाबू, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है इस झूला में और बिल्कुल नहीं रो रहा है। ये देखिए बाबू के मम्मी उसको झूला झुला रही है। और यहाँ देखिए बाबू के दादू आ गए उसे झूला झुलाने के लिए, मेरे पापा हैं ये जो बाबू को झूला झुला रहे हैं, सबको एक एक बार इसे झूला झुला रहे हैं, सब बहुत खुश हैं कि बाबू झूला झूल रहा है और अच्छा लग रहा है, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब सूटेबल है, वो बिल्कुल इसमें फिट हो रहा है। और यहाँ इसको यहाँ पे सोफे के पास लगाए हैं ताकि यहाँ पे सब लोग इसे आते जाते देख पाएँ, मतलब वो अकेला ना रहे, अकेला रहेगा तो फिर रोएगा या फिर कुछ होगा तो वो रोने लगेगा, मतलब उसे तकलीफ़ होगी। इसलिए अगर हम लोग किसी रूम में लगाते तो रूम के अंदर रहता और कोई आता जाता नहीं वहाँ पे, हमेशा उसके पास किसी ना किसी को रहना पड़ता, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि इसको यहीं पे लगाया जाएगा। और टीवी के पास, सोफ़ा के पास, वो भी टीवी भी देखता रहेगा, और सोफे के पास अगर होगा तो कोई आते जाते उसको देखता भी रहेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगाने का इसको डिसाइड किया है। तो ये देखिए बाबू बहुत खुश है। Thank you.
ये देखिए बाबू के मम्मी और ये बाबू की दादी है, मतलब मेरी मम्मी, और ये मेरे पापा हैं। तो सब लोग बाबू के पास ही हैं अभी। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। अभी मैं मायके में रहने वाली हूँ लगभग 3-4 दिन तक, तो मैं हर तरह का आपको वीडियो दिखाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखिएगा।